श्री पुत्र अनिल चौधरी सराय संभल संभल सभी लीजिए अपने निवास का नाम जनपद संभल शपथ लेता हूँ कि मैं कोई अपराध या बुरा कार्य नहीं करूँगा तथा अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी पुलिस को देकर अपराध नियंत्रण में पुलिस का सहयोग करूँगा तथा सभी त्योहार। यूं तो पुलिस को हमेशा बदनाम किया जाता है, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे भी होते हैं जिनकी अच्छी कोशिशों से अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाया जा सकता है। संभल जिले के पुलिस अधीक्षक ने भी कुछ ऐसी ही एक मुहिम शुरू की है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के नाम से पूरे संभल के कुख्यात अपराधियों में एक अलग डर का माहौल है। आलम यह है कि अब हत्या, डकैती, अपहरण और लूट को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी भी यमुना प्रसाद के सामने अपराध न करने की कसम खाते दिख रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट की हम बहुत इज्जत करते हैं, जो हमसे गलती हुई वो झूठे में फंसाया गया, हमें 10 साल हो गए। अब हम गाड़ीबाजी छोड़कर अब चाय की दुकान कर रहे हैं। सर हम ये चाहते हैं, जीना चाहते हैं हम, और हमेशा अपने स्टाफ के साथ रहना चाहते हैं। कोई हम हाथ दिक्कत नहीं होगा, बातें बताई गई हैं हमें, उस पर हमें अमल करना है। कोई गलत काम अपने भाइयों से भी कहना है, कोई गलत काम नहीं करना और कोई भी किसी का बुरा काम नहीं करना। मैं 14 साल हो गए सर मुझे संघ से, जो 14 साल पहले हो गया मुझसे गलती से, उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सबका सहयोग देना चाहता हूँ, अपनी माँ बहनों को देना चाहता हूँ, बच्चों को। क्या अपराध छोड़ करके आप सामाजिक जीवन जियेंगे? इस तरीके बिल्कुल जी रहा है, हम तो सर बहुत सही है ना, तो बहुत ही परेशान से सबसे पहले। जो भी इस काम में है उसको सब छोड़ दें और पुलिस का सहयोग करें, जहाँ तक भी कोई चीज हो सके अच्छे से अच्छा करें और बुरे आदमी से और बुरी बात से बचे। या और जो लोग आपसे जुड़े हुए मोहल्ले के आसपास के लोग, वो भी आपसे प्रभावित होंगे कि नहीं? इसके पीछे की जो कहानी है वो काफी दिलचस्प है। दरअसल पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने पूरे संभल में अब तक 15 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। इस 15 एनकाउंटर का असर ऐसा पड़ा है कि 400 कुख्यात अपराधियों ने अपराध से तौबा कर लिया और समाज में अच्छी जिंदगी जीने की कसम खाई। अपराध नियंत्रण में पुलिस का सहयोग करूंगा तथा सभी त्योहार एवं शांत व्यवस्था में बढ़ चढ़कर सहयोग करूंगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर से डरे समय स्ट्रीटर बदमाशों ने भी अपने अपने थाना क्षेत्र के प्रभारियों को यकीन दिलाया कि वो सुधरना चाहते हैं। पुलिस ने भी ऐसे अपराधियों को सुधरने का मौका दिया और बहजोई पुलिस लाइन में लगभग 400 से अधिक स्ट्रीटर बदमाशों को अपराध नहीं करने की कसम दिलाई। जनपद संभल में 1279 हिस्ट्री सीटर हैं। इनको जब यहाँ पे जनपद संभल में क्राइम कंट्रोल पे विधि व्यवस्था स्थापित करने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इन पे प्रभावी अंकुश लगाने के लिए शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। तो इसी बीच में ये समझ में आया कि अगर हम इनको मोटिवेट करते हैं, जितने हमारे हिस्ट्री सीटर हैं क्रिमिनल हैं, मोटिवेट करते हैं अपराध छोड़ने के लिए, तो इसमें बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि साहब हम अपराध छोड़ना चाहते हैं, अपराध में शामिल नहीं होना चाहते, हम अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं और हमें बड़ा कष्ट होता है, तो बीवी बच्चों से और परिवार से हम संपर्क में रहें। और इस तरीके से पुलिस की मोटिवेशन से, पुलिस के कार्यप्रणाली से यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपराध छोड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में हमारे यहाँ 1279 जो हिस्ट्री सीटर थे उसमें 111 लोग जेल में भी हैं और उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग आज उपस्थित होकर के, लगभग 300-400 लोग उपस्थित होकर के उन्होंने अभी आपके सामने एक शपथ ग्रहण किया है कि आज से वो किसी भी अपराध में सम्मिलित नहीं होंगे, जो भी आपराधिक गतिविधियाँ थी उनको वो छोड़ देंगे और आने वाले समय में अगर उनको किसी भी तरीके की आपराधिक गतिविधियों के बारे में, किसी आतंकवादी घटना के बारे में, किसी समाज को बांटने वाले के बारे में अगर सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराएंगे और आने वाले त्योहारों में या कोई भी विधि व्यवस्था का अगर प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसमें बढ़ चढ़ करके पुलिस का सहयोग करेंगे और उनको ये सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे।